दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ खुश तो बहुत होंगे आप लोग। एक्चुअली आप सब लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल की पोस्ट का जो एग्ज़ाम है वो हो गया है और इंग्लिश पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो हो गया है। इस वीडियो में एक्चुअली इसका इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि आप लोग चेक करिए कितना हम लोगों ने पढ़ा है और कितना मैंने आप लोग को पढ़ाया है और कौन कौन से टॉपिक से आपके पास क्वेश्चंस आए हैं। मैंने मेरी जाकर प्लीज़ चेक करिए एक बार, मैंने 34 मॉक कराए हैं और 30 मॉक का जो पैटर्न था, पैटर्न कहूँ या फिर जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए थे आप लोगों को, उस उन पर बेस्ड क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिला है। तो जो लोग इसको कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन पेपर आया था, तो मॉडरेट तो मैं नहीं कहूँगा, पेपर एक्चुअली ईजी था। इंग्लिश की बात करूँ स्पेशली, इंग्लिश का जो सेक्शन था वो ईजी था। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरे एक से लेकर वन से लेकर 34 मॉक तक जो मैंने कराए हैं एग्जाम से पहले वो देखे हैं तो उनको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था और क्या आपके एग्जाम में मिला है। एनीवे आज मैं पीजीटी का एनालिसिस कर रहा हूँ, आप खुद रियलाइज़ करिए, लास्ट तक देखिए। और अक्सर मैं कहता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है सिर्फ इतना पढ़ लो, जो पढ़ो वो एग्ज़ाम में मिल जाए। और इतना तो एटलीस्ट हम लोग कर ही सकते हैं। स्टूडेंट क्या करते रहते हैं, बहुत सारा इधर उधर से पता नहीं क्या क्या कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने सिर्फ वही पढ़ाया था जो आपको एग्ज़ाम में मिला है। कैसे मिला है रियलिटी चेक आप खुद अपनी आंखों से देख लो। क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन मेरी मॉक में, मैं फिर कहूँगा एक से लेकर और जो 34 तक मैंने मॉक कराए, जाकर देखिए खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या मैंने पढ़ाया था और क्या आपने पढ़ाया। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इसका आपको पैसिव बताना है। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, ये टाइम है क्या करने का, बेल को रिंग करने का। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, यहाँ पर इट लगा हुआ है और इट लगा हुआ है इन्फिनिटिव है, टू के साथ पैसिव बनाना है तो उसका पैसिव बनना बहुत आसान होता है। देखो एकदम राइट आंसर है इट इज़, सॉरी इट इज़ टाइम, कह रहा है इट इज़ टाइम, तो हमने प्रेजेंट में पैसिव बना दिया, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, क्योंकि टू का पैसिव टू बी में बनता है। यहाँ टू का पैसिव किससे बनता है भैया, टू बी के साथ और थर्ड फॉर्म में बनता है। इन्फिनिटिव का पैसिव हमेशा टू प्लस बी के साथ बनता है और थर्ड फॉर्म तो आती आती है, और रिंग का थर्ड फॉर्म क्या रंग है। तो सेकंड इसका दोस्तों एकदम राइट आंसर था, ये प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में है आपके पास, इट से हमने बनाया। ये तो पास्ट में था, राइट आंसर का कोई मतलब ही नहीं, ये एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इनका कोई मतलब नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन टू को पढ़ाने से पहले इस वीडियो में एक्चुअली मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ किस किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, जितने लोग और भी कोई टीजीटी पीजीटी का अपकमिंग एग्जाम्स हैं, पहले तो उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और मैं फिर कहूँगा मेरी पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, एक से लेके 34 दोस्तों, एक से लेके 34 मॉक बनाए हैं। एक्चुअली कुछ मैराथन मुझे लेनी थी जो मैं नहीं ले पाया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, है ना, कुछ रीजंस थे मेरे पर्सनल, लेकिन अब लूँगा जिन लोगों का 23 तक एग्जाम्स है। क्वेश्चन देखिए किस बेस, किस टॉपिक पर बेस क्वेश्चन थे। एक्चुअली पैसिव, पैसिव का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन ही था, मैंने ऐसे अरेंज किया है। सेकंड क्वेश्चन जो आया था वो कंडीशनल सेंटेंस पर बेस्ड है, और कंडीशनल सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मॉक में ऑलरेडी पहले से हैं, आप जाकर देख लो। आर्टिकल से क्वेश्चन, ए एन दा का यूज है, थर्ड क्वेश्चन है, फिर कंजक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिला है, रीअरेंजमेंट, मैंने हर मॉक में दो रीअरेंजमेंट कराए हैं पेपर में। रीअरेंजमेंट मेरे रीअरेंजमेंट से बहुत आसान था, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, सिर्फ एक्चुअली वो तो रिजमेंट नहीं था, लेकिन अगर रिअरेंजमेंट की बात करता हूँ तो बहुत इजी था, सबने लगा दिया होगा जो लोग मेरे साथ पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड है, आगे दिखाऊंगा अभी। फिर दो क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के आए हैं, और मैंने हर मॉक टेस्ट में अपनी फ्रेजल वर्ब कराई है, और जो मैंने कराया है वो फ्रेजल वर्ब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सिनोनियम एंटोनियम, पैटर्न में कुछ भी चेंज नहीं था, कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि सर पैटर्न में चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं था। सही बात करूं तो केवीएस एनवीएस का पैटर्न था, डी ट्रिपली एसएसबी की अगर मैं पूरी पूरी बात करता हूं, है ना, तो पूरा मतलब टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस सेम रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है। आगे आने वाले जो एग्जाम है पैटर्न यही रहना है, सिनोनियम एंटोनियम इडियम फ्रेजेस, ठीक है ना, सेम पैटर्न है दोस्तों, तो जरा देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर टू, इफ यू हेल्प मी, पास इंडेफिनिट है, अगर पास्ट रेफिट है, और सेकेंड जो क्लोज होती है, सेकेंड क्लोज एक्चुअली वुड कुड के साथ वी वन में होती है, तो यहाँ पर एक ही आंसर था इफ यू हेल्प मी। और देखो कंडीशनल सेंटेंस है, ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, है ना,
देखो, इफ यू हेल्प मी, अगर तू मेरी सहायता करते तो क्या आई वुड पास द एग्जाम, आई वुड पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास कर देता। अगर पहला सेंटेंस कंडीशनल के साथ पास इन फीट में है, यहां पर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो किसमें है, पास इन फीट में, सेकंड वाला कुड में, वुड में, दोस्तों पास में ही बनता है, और यहां पर एक ही है वुड, विल का सेकंड फॉर्म वुड। चलिए, डी राइट आंसर था दोस्तों, थर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत करके आए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एनिमल की वजह से यहां पर एन लगाया है, कभी नहीं लगा सकते। जानते हो क्यों? जब भी दोस्तों आपके पास एक फ्रेज बन जाता है दिस काइंड ऑफ, दिस टाइप ऑफ, या दैट, जो भी आपको लगा, दिस काइंड ऑफ, दिस सॉर्ट ऑफ, दिस टाइप ऑफ, तो दोस्तों इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल। राइट आंसर होगा व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज दैट। एनिमल की वजह से बहुत सारे लोगों ने यहां पर एन लगाया कि भाई वोवल्स का साउंड आ रहा है तो एन लगा दिया जाए, एन लगते ही सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा यार, कोई मतलब ही नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं लग सकता, नो आर्टिकल, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर देखिए, द हाउस विद ऑल इट्स कॉन्टेंट। एक्चुअली जो हाउस है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहां पर एक कंजक्शन जो आई हुई है वो विद है, और मैंने पहले भी पता नहीं कितनी बार आपको पढ़ाया है, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, है ना, इनके साथ दोस्तों जब भी वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आती है, एंड एज वेल एज, क्या एज वेल एज, और यहीं पर एक वर्ड और लिख लेंगे, इन एडिशन टू, इनके साथ जब भी कंजक्शन आती है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आती है, और फर्स्ट सब्जेक्ट यहां पर दोस्तों हाउस था जो सिंगुलर है, वो सिंगुलर है तो आगे यहां पर आपको सिंगुलर वर्ब लगाना था, मॉक टेस्ट में पहले से है मेरे, सिंगल वर्ब लगाना था, ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, तो राइट आंसर यहां पर वोज हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लुरल है, ये भी प्लुरल है, और ये भी प्लुरल है, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है ना। वोज जो हाउस है किसके, इसके कंटेंट के साथ, इसके सामान के साथ, है ना, क्या किया गया था, वोज इंश्योर्ड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर उसको इंश्योर्ड कर दिया गया। देखो यार कितना अच्छा, अच्छा क्या, बहुत ईजी कहूंगा मैं इसको, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो, देखो एक बार रिलेट करिए, यहां पर ए वर्ड डिस्क्रीटली स्पोकन, अगर एक वर्ड डिस्क्रीटली बोला जाए तो ई से स्टार्ट करोगे आप, वो किसकी तरह है, इज लाइक एन एप्पल, वो एक एक एप्पल की तरह है। डिस्क्रीटली का मतलब होता है, ध्यान सुनिए, जब हम बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, अपने अंदर की आत्मा से बोलते हैं ना, विवेक से, डिस्क्रीट, सोच समझ कर बोलते हैं, पेशेंस के साथ बोलते हैं, डिस्क्रीटली बोलते हैं हम लोग, है ना, तो ई इज लाइक, ई के बाद बी, और ई के बाद बी देख लो किसमें, राइट आंसर ये रहा आपके पास, कितना आसान था ना, इज लाइक एन एप्पल और फिर डी ऑफ गोल्ड, एन एप्पल ऑफ गोल्ड, ठीक है ना, ई बी, एन एप्पल ऑफ गोल्ड, ई बी डी, और फिर क्या, इन अ बास्केट ऑफ सिल्वर, इन अ बास्केट ऑफ सिल्वर। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा, डी जो मैंने लगाया, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि भाई जो डिस्क्रीटली वर्ड बोला जाता है वो एक एप्पल की तरह है, है ना। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, ध्यान से समझिए, बहुत इजी, दैट इज वेरी वेरी इजी, द राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल, मैंने बार बार आप लोग को पढ़ाया, राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड, राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड, बहुत बार हमने पढ़ा है ना, जब हम लोग सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, जैसे द राइज एंड फॉल, ये एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, ठीक है ना, लेकिन ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर भी होता है, ये सब कॉन्सेप्ट एक्चुअली मेरी प्लेलिस्ट में भी थे, मैंने तो इसको लेकर एक क्वेश्चन, एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर को लेकर, एंड ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड, तो वही क्वेश्चन था, द राइज एंड फॉल, दैट इज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, कि भाई राइज होना है ना और फॉल होना, बढ़ना गिरना, क्या हो जाएगा देखिए, ऑफ द टाइड्स डिपेंड, टाइड्स का राइज और फॉल होना क्या करता है, वो डिपेंड्स करता है, क्योंकि जब वो सिंगुलर है तो वर्ब में एस आपको लगाना पड़ेगा, तो दोस्तों डिपेंड के प्लेस पर डिपेंड्स होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी मतलब ये वाला राइट आंसर, सी, सी में एरर है, डिपेंड के प्लेस पर आपको डिपेंड्स करना होगा। नेक्स्ट डोंट, अब देखिए मैंने फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, हर मॉक टेस्ट में है, बीट अवे, बीट अवे का मतलब क्या होता है, बीट अवे का मतलब होता है अलग हो जाना, जैसे कहीं पर कोई कैंपेन है, उस कैंपेन में आप पहले से पार्टिसिपेट कर रहे थे लेकिन उस कैंपेन से आप अलग हो गए, कहीं पर कोई आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में आपने पार्टिसिपेट किया था लेकिन उससे आप अलग हो गए, मतलब किसी एक्टिविटी से अलग हो जाना क्या है, उस एक्टिविटी को करने से छोड़ देना, है ना,
तो क्या होता है, बीट अवे होता है, बीट ऑफ, सॉरी सॉरी, राइट आंसर क्या होना चाहिए, बीट डाउन। बीट डाउन का मतलब भी समझते हैं, अच्छा वर्ड है। बीट डाउन का मतलब होता है किसी को परस्यूएड करना, जानते हो, किसी को जब हम लोग प्रेशर करते हैं ना, फोर्स करते हैं ना कि भाई तुम इस चीज के ना पैसे कम ले लो, तो आपने उसको जानते हो क्या किया, बीट डाउन किया है। क्या किया है, बीट डाउन किया है किसी पर्सन को, है ना, क्या करना, परस्यूएड करना कि वो कम पैसे ले ले, है ना भाई। अगर आप ना किसी ना शॉपकीपर के पास जाते हो और आप कहते हो थोड़े से कम पैसे ले लो, तो आप उसे बीट डाउन कर रहे हो, परस्यूड कर रहे हो कि भाई इस चीज़ की कॉस्ट थोड़ी सी कम कर लो। आप उसको फोर्स करते हैं ना, तो किसी को फोर्स करना टू परस्यूड ए पर्सन टू एक्सेप्ट अ लोअर अमाउंट ऑफ मनी, तो उसको बीट डाउन कहते हैं, ठीक है भैया। और बीट अवे का मतलब मैंने बता दिया है, अलग हो जाना। और यहीं पर एक वर्ड है बीटअप, देखो राइट आंसर तो यहां पर सी हो जाएगा, बीटअप। इसका मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, है ना, किसी को कंडेम करना, क्या करना, कंडेम करना, टू क्रिटिसाइज, है ना। और इसका मतलब वैसे किसी को किक मारना भी होता है, लेकिन यहां पर सेंस समझिए, डोंट बीट अप ऑन पॉल, भाई पॉल को ना क्रिटिसाइज मत करो। किसी के बारे में भला बुरा बोलना, किसी के बारे में बहुत बुरा बोलना, भला बुरा नहीं, भला नहीं कह सकते, बुरा बोलना, किसी को क्रिटिसाइज करना, तो आप क्या करते हैं, बीट अप ऑन करते हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर एक वर्ड है बीट ऑफ, ये बहुत बार पूछा गया। बीट ऑफ का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है ध्वस्त करना। जैसे ध्वस्त करना, कोई पर्सन है हम पर अटैक करने के लिए आया था और हमने वापस उस पर अटैक कर दिया है, तो हमने उसको बीट ऑफ किया है भाई। जैसे कोई भी पर्सन था, उसने हमें बहुत भला बुरा बोल रहा है वो, और हम वापस उसको भला बुरा बोलने लगते हैं, तो सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं अच्छे से, तो हमने उसको बीट ऑफ किया है, ध्वस्त कर दिया उसके प्लान को, है ना, उसको भला बुरा बोला है हमने भी, या फिर हमने भी, वो हमें अटैक करने आया था, हमने भी उस पर अटैक कर दिया वापस, तो हमने उसको बीट ऑफ कर दिया। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द ब्राइड वोस, देखो भाई गिव ऑफ, गिव अप का मतलब सब लोग जानते हैं, है ना, त्याग कर देना, अबेंडन कर देना, है ना, मैंने गिव अप कर दिया था। स्टूडेंट्स को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ में आएगी। अब यहीं पर एक वर्ड है दोस्तों, गिवन ऑफ। अच्छा, राइट आंसर क्या होना चाहिए, द ब्राइड वोस, राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा वर्ड था, डी, गिव अवे। इसका मतलब होता है किसी को कुछ डोनेट करना, गिफ्ट करना, क्या करना, गिफ्ट करना। जैसे अब देखो, ब्राइड की शादी हो रही है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, जो फादर है ना, वो क्या कर रहे हैं, गिव अवे कर रहे हैं, गिफ्ट करना, डोनेट करना। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, गिव ऑफ का मतलब आप सब लोग जानते हो, कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, गिव ऑफ का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान समझिए, प्रोड्यूस समथिंग। जैसे दोस्तों, जो फ्लावर्स है ना, वो स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं, जो फ्लावर्स है वो फ्रेग्रेंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मतलब यूं कहिए, जैसे सन है वो गिव ऑफ करता है, जो सन है, सूर्य है, है ना, जो सन है वो क्या करता है, वो गिव ऑफ करता है किसको, लाइट को, लाइट को प्रोड्यूस करना, छोड़ना उस चीज को, जिसको हम कहते हैं, जैसे हमने कहा जो ट्यूब है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, गिव ऑफ करती है, छोड़ना, जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं गिव अप क्लियर है। और गिव इन का मतलब मुझे बताने की जरूरत है कि पहले मुझे बताओ, गिव इन भी कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, सुन लो भाई, गिव इन का मतलब भी, गिव इन का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, मतलब कोई ऐसा काम, गिव इन, जो आप करना नहीं चाहते लेकिन आपको करना पड़ रहा है, जो आप करना नहीं चाहते लेकिन आपको करना पड़ रहा है जबरदस्ती, तो आप उसे गिव इन करते हैं, क्या करते हैं, गिव इन करते हैं। गिव अप क्लियर है, तो राइट आंसर दोस्तों डी हो गया। नेक्स्ट, नाइन, देखते हैं जरा, द अंडरलाइन वर्ड इन द अबाउट सेंटेंस कैन बी, यार इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराए हैं, ब्रेजन। ब्रेजनली का मतलब होता है दोस्तों, सेमलेस होकर कुछ काम करना, बेशर्मी के साथ कुछ काम करना, तो यूं कह सकते हैं कि बोल्डली कोई काम करना, मतलब लोगों की परवाह ना करके जब आप कोई काम करते हैं तो आप उसे बोल्डली करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेजनली करते हैं। सिनोनियम बताना था, मॉडेस्टी और हम्बली एक दूसरे के सिनोनियम है, रिक्वेस्टेबली जिसका मतलब होता है, जब हम किसी से ना रिक्वेस्ट वाली फॉर्म में आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, तो आप मॉडेस्टली और हम्बली उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। विनम्रता पूर्वक निवेदन करना, कूली सब लोग जानते हैं, शांत, है ना, शांति से बहुत ही कूली, एकदम कॉल। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो पैदल यात्री होते हैं, आप सब लोग जानते हैं पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले यात्री, लेकिन यहां पर पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या है, एक्चुअली आपको ओपोजिट बताना था। यहां पर दोस्तों ध्यान समझेंगे, पेडेस्ट्रियन का मतलब एक्चुअली डल से मतलब है, सेंटेंस का सेंस समझते हैं, हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज जस्ट डल, डल मतलब अच्छी नॉलेज नहीं है, बोरिंग करने वाली नॉलेज है उसको सब्जेक्ट की, कौन सी है, बोरिंग करने वाली, डल। तो राइट आंसर यहां पर दोस्तों इमेजिनेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, कलरलेस का तो कोई मतलब नहीं, नॉलेज तो कलरलेस नहीं होती, ओल्ड, है ना, ओल्ड पुराना, तो ओल्ड का यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं, एक्चुअली ओपोजिट बताना था,
इमेजिनेटिव राइट आंसर हो जाएगा। डल मतलब जिसमें हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, अनइंटरेस्टिंग जिसकी हम बात करते हैं, और इमेजिनेटिव जिन चीजों को इमेजिन करना अच्छा लगता है। इमेजिनेटिव एकदम ऑपोजिट है इसका दोस्तों, पेडेस्ट्रियन का, है ना, क्योंकि पेडेस्ट्रियन का सिनोनिम ही डल होता है, और डल सब लोग जानते हैं बोरिंग होता है, लेकिन इमेजिनेटिव जो चीज हम इमेजिन करते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। फिर कहूंगा मैं आप लोगों को, जितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं आगे, ठीक है ना, वो मेरा पूरा प्लेलिस्ट पढ़ के जाओ, नहीं तो दोस्तों मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ना एक से एक बढ़िया क्वेश्चन कराया हुआ है, सिनोनिम एंटोनिम, है ना। तो प्लीज जाकर फोकस करो, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप टीचर लोग हैं और टीचर हमेशा इंटेलिजेंट होता है ना, वे टीचर बनने वाले हैं, तो टीचर क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है। दोस्तों आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू वेरी मच।